दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विकास पंत स्वागत करता हूँ अपनी न्यू वीडियो पर। दोस्तों वो सामने चोटी फिर भी पहुँची है, हर जगह पहुँची पहुँची भरे पड़े यहाँ पे। दोस्तों फाइनली जैसे कि आपको पता था कि कल मैं आपका पहुंच गया था कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास में, और अभी मैं आपका कारगिल वॉर मेमोरियल के सामने पर ही हूं। और तो आपको पता है कि ये वॉर मेमोरियल इंडियन आर्मी की जो भी 1999 की फाइट में जो भी शहीद हुए थे उनकी याद में बनाया गया। तो ऐसा है ना, मेरे को यहाँ के बारे में इतनी जानकारी तो है नहीं, लेकिन एक भाई है हमारे या यहाँ के हैं रन को यहाँ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे अभी। तो हाँ रवि भाई, सबसे पहले तो मैं आप सभी को कारगिल वॉर में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि अभी मैं इस बार जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ पर 99 के टाइम पे वार हुआ था, और एग्जैक्ट यही लोकेशन में वार हुआ था। लोग बोलते हैं कारगिल वॉर मेमोरियल, कारगिल वॉर मेमोरियल एग्जैक्टली यही जो की पड़ता है भीमबट में। और काफी सारे लोग क्या करते हैं कि कारगिल यहाँ भीमबट से 52 किलोमीटर आगे जाते हैं कारगिल वॉर मेमोरियल बोल के, फिर वहाँ वापस आते हैं। कारगिल वॉर मेमोरियल कारगिल में नहीं भीमबट में, डिस्ट्रिक्ट सेम होने की वजह से कारगिल वॉर मेमोरियल बोला गया। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ जहाँ पर हम खड़े एग्जैक्ट यहीं पर ही लड़ाई हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हैं ये टॉप में देख रहे हो ना, ये सारा कॉलोनी है और सामने वाला टाइगर हिल है जो कि 17 फीट हाइट है उसका। जी तो गाइस, तो ऊपर वाला आर्मी वाला ने शूट करने नहीं दिया तो हम नीचे की तरफ आ रहे थे। तो मैं आपको बता रहा था कि वार जो हुआ था ये पहाड़ियों पे होती है, ये चारों तरफ कैमरा एंगल अगर घुमाएंगे तो ये जो टॉप में देख रहे हैं यहाँ पर पूरे पाकिस्तानी आर्मी कैप्चर हुए थे। ठीक है सर, और हमारी इंडियन आर्मी इस तरफ थी, हमारी इंडियन आर्मी थी इस तरफ की और पाकिस्तानी आर्मी थी उस तरफ की, जो रोड पर ब्लॉक करा रखा था, और जो भी गाड़ी शाड़ी मिलिटेंट गाड़ी आती थी वो सर कैप्चर हुआ था। और ये टॉप में जो ये टॉप वो टॉप पूरा बंद था, मतलब चारों तरफ बंद था, यही रोड कैप्चर हुआ था, तो बंद गया था, तो यही फाइट हुआ था सर। और बस यही जानकारी मैं आपको दोनों जाता हूँ कि लड़ाई यहाँ पर हुआ था भीमबट में, कारगिल में नहीं हुआ था, भीमबट में हुआ था। जी ठीक है सर जी। और हमारे यहाँ पर कुछ 500 शहीद हुए हैं तो कारगिल वॉर मेमोरियल बना है, तो आइएगा आप लोग भी जरूर विजिट करना कारगिल वॉर मेमोरियल पे, क्योंकि काफी सारे लोग हमारे जवानों ने यहाँ पर खून बहा है। और यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों आजकल, और इतनी आर्मी फोर्सेस कुछ जानता है? 26 जुलाई की तैयारी हो रही है, कारगिल वॉर में कारगिल विजय दिवस हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ी सी तैयारी हो रही है, बहुत सारे शहीद हुए उनके लिए जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और कहाँ पे यहाँ पर शो भी मनाया जा रहा है। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी टाइट है, आप लोग कैमरा देख सकते हैं, पूरे टॉप में आर्मी बैठे हुए, यहाँ पर भी सिक्योरिटी टाइट था, तो हमें ऊपर जाने को नहीं दिया, अलाउड नहीं करा, अलाउड ही नहीं करा हमने ऊपर टॉप पे जाने को, नीचे आप इतना व्यू नहीं दिखा पा रहे। ठीक है सर, ये पूरा एरिया है सर आप जी, तो सर इतना ही है जी। तो दोस्तों ये हमारे अमित भाई और ये हमारे हबीब भाई, तो मैं कल रात यहाँ पे आया था, तो मैं इनसे कह रहा था कि मैंने करनी है कैंपिंग, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे सेफ्टी इशू के उससे आजकल 26 जुलाई तक का यहाँ पे अलाउड नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है हबीब भी, तो इन्होंने फिर मेरे को इन्होंने रूम दिलवाया था अपने सामने पर ही अपने साथ ही, और खाना पीना भी कल इनके साथ ही हुआ था। तो देखिए यह है अमित भाई और यह है हमारे हबीब भाई। तो कुछ अमित भाई कुछ बोलना होगा आप? मैं क्या बोलना चाहूँगा, बस ये घूमने कारगिल वॉर मेमोरियल में, क्योंकि बहुत सारे जवान शहीद हुए हैं, इनके लिए भी एक बार हम लोग यहाँ पर आके इनके साथ शौक मना सकते हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के जी आइएगा जरूर। करते आप लोगों से एक निवेदन है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब बढ़ा दीजिएगा, यही कहना चाहता हूँ हमारे भाई का, बढ़ा देना सर। थैंक यू भाई। ओके दोस्तों, यह है अमित भाई लोगों का ढाबा, और आप अभी भी हैं यहाँ पे कारगिल के मेन गेट के सामने, इनकी शॉप है अनिता ढाबा करके, और अभी आपको कुछ जानकारी देंगे हमारे भाई। तो गाइस ये मेरा ढाबा है अनिता ढाबा बोलते हैं, यहाँ पर आपको प्योर वेजिटेरियन पूरी डिस्ट्रिक्ट में पूरी एरिया में हमारे पास ही मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, प्योर वेजिटेरियन खाना होगा, आप आइएगा सर। और यहाँ पर अगर अमित सर आपका नाम क्या रहेगा? विकास पंत। अगर आपके चैनल के थ्रू कोई आता है तो हम उनको 50% डिस्काउंट देंगे, 50% डिस्काउंट देंगे। तो थैंक यू, आइएगा अनिता ढाबा प्योर वेजिटेरियन। थैंक यू। Oh, 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 oh